DGX. आज आंटी ने हमें बुलाया हुआ है एक लंच पे हम सारे स्टूडेंट्स को, तो वो मैं, चिब्बर, शिबू, मोटा, राघव मेरी गाड़ी में जा रहे हैं और बाकी वो पहुंच गए हैं, लेट हो गए, मैं थोड़ा लेट उठ गया, लेट नहीं मैं टाइम जुटा हुआ ब्लॉग में लगा हुआ था, पर ब्लॉग भी ज्यादा अपडेट हुआ है। गीजर भी मैंने ऑन कर दिया था लेकिन नहाने का टाइम नहीं, इन लोगों का भी कॉल आ गया, तो मैं काम करूंगा टोपी पहन लूंगा ऊपर और निकलता हूँ, फिर और क्या करूँ, या फिर वॉश कर लेता हूँ, हेयर वॉश एंड फेस वॉश करके निकलता हूँ, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा हेयर वॉश एंड फेस वॉश, क्योंकि एटलीस्ट जिसमें बाल तो थोड़े सही हो जाएंगे तो बाल बना के अच्छे चलूंगा रादर देन बी वेयरिंग अ कैप, दैट्स अ बेटर ऑप्शन एंड विल व्हाट्स अप एवरीवन, बैक होने लोगे, होप यू लव एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। रेडी तो हो गए बस बाल सेट करने, बट आई एम प्रीटी कंफ्यूज जैकेट पहनूं ना पहनूं, वैसे तो सही लग रहा है और बाहर मौसम कैसा है, धूप ही है तो फिर छोड़ो जैकेट क्या ही पहनूंगा, यही पहन के चलो। पॉइंट मार्क सबसे गाली खाने वालों, ये लोग बेसमेंट में खड़े हुए हैं, गए अब तो मेरा खुले आम कतले आम है, तो ये क्या बात आ रही है, मैंने बाल बेड सेट हो ही नहीं रहा, मैंने कंघी फेर दी, सिरम भी लगा ली, सब कर लिया और शैम्पू वैम्पू करके आया हूँ मैं, अभी नहीं सेट हो रहे तो मैं क्या ही करूँ भाई, नहीं हो रहे नहीं हो रहे, बाल जाए भाड़ की पट्टी में, मैं निकलता हूँ अभी क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मेरी वजह से ही हो चुकी है, बाकी सब पहुंच गए, हम यही बैठे हुए हैं मेरे लोगों के पिनक के चक्कर में, अगर ये मेरे को पहले कॉल कर देते ना तो मैं ब्लॉग एडिट करके सब चल हो जाता, आधा ब्लॉग एडिट करा मैंने सिर्फ 8-9 मिनट का, 17 मिनट का ब्लॉग था पूरा, बचा अभी ब्लॉग एडिट करना, बाकी करूंगा और क्या लेट चलेगा। एक तो मेरे को ये लोग बड़े अजीब लगते हैं, तीन लिफ्ट है ना तो तीनों लिफ्ट बुला लेंगे और फिर कोई एक आदमी की उसमें चढ़ जाएंगे तो दूसरी उनके चक्कर में फ्लोर पर रुक जाती है ये, और सबसे ज्यादा ये होता है जब तुम किसी चीज के अर्जेंसी में हो, और जब भी सबसे ज्यादा चीज हो जाती है ना दिमाग इतना खराब होता है, इतना खराब होता है भैया। पागल है क्या साले, मैंने कहा था ना पिटने वाला हूँ मैं, हरकत भी थी वैसे पिटने वाली, इतना तो भाई मैम डांट रही यार, समझ नहीं रहा भाई तू, अरे बबली लवली सिंह रिपोर्टिंग सर, अब तो देख तेरा नाम लगा दिया मैं मैम, देख क्या चाटी दे रहा हूँ, मजा आ रहा है, अबे यार ये क्या है यार, मैं इसका सर फाड़ दूंगा, क्या हुआ ये क्या वो कहा है बाकी दो चूज तीन चूज है, अब उसकी वेट कर रहे हैं पटार के सामने किसके, मेरे के इस वाली लिफ्ट से निकाल, इस वाले एरिया से, इधर से निकालो पीछे से साथ से ना निकालो, कुछ लोग अबे कल भी यही कपड़े पहनते हैं, अबे नहीं जींस अलग थी, अबे यार तो एक दिन में टी शर्ट थोड़ा खराब हो जाती है, तू देख साले प्रेस करी हुई टी शर्ट ना पहन के आया तू, देख ले क्या कह रहा, पीछे घूमियो देख घूमियो, यार पिंकी ने पिराडा पहना, अबे पिंकी ने भाई लॉक कर रहा है, पिंकी का लॉक लगा रहा है, पिंकी का सिस्टम लॉक है, शिबू तूने बाल नहीं कटाया अभी तक भाई, जी आन है आप ओए मौतात में किसको सुनियो को भाई तेरे को पता है सुनियो के पापा को आनंद अंबानी की शादी में नहीं बुलाया, अरे यार बताओ यार इतने बड़े बिजनेसमैन, अभी फैन मीटअप हो जाएगा बंद करते हैं, देखो जानवर को देखो बस ठूस है जा रहा, देखो पांच का ब्लॉग बंद करा दो मैं मार, पांच पांच कर रही है काले 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 मैं मार, मैं बोतल मार दूंगा, एक वो जानवर है वो देखो ब्लॉग यो चीता ही कहते हैं जादू के लिए, क्या हो रही है ट्यूशन की पार्टी बहुत भयंकर पार्टी, और सुन मॉल में आके हरकत कर रहे और सुन सुन क्या अर्जुन अर्जुन प्रूव कर दे तू देहात है, मार दिया भैया अभी पैसे मांग लेगा वो, आज एक पिंकी के टावर के पास मेरे को फ्री प्लग मिला था छुपा हुआ, मैंने वहां लगा दी चार्जिंग, चला चार्जिंग लगा के आके मैं सो गया, अब मैंने उठ के देखा क्या अपडेट है, चार्ज हो रखा है स्कूटर, अब चार्ज नहीं दिखा रहा, जैसे इसमें दिखा रहा होता ना ऐप में कि इट्स गेटिंग चार्ज्ड, नाउ इट्स शोइंग स्लीपिंग, चार्जिंग दिखाई नहीं रहा होती, तो आई थिंक सो या तो किसी ने चार्जिंग बंद कर दिया, किसी ने चार्जर हटा दिया, और अगर चार्जर हटा तो एओए वाले होंगे, अगर चार्जिंग बंद करी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो ऑन कर दूंगा, लेकिन अगर चार्जिंग हटा चार्जर कोई ले गया वापसी तो भैया मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हूं, मेरे पे कोई ऑप्शन ही नहीं, छोड़ो लगा के भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे भाई ये लोग, कुछ भी नहीं करके राजी हैं, आई एम सो पिस्ड, आज जिम भी बंद है क्योंकि आज मंगलवार है, मंदिर भी जाना है भाई, इतना दिमाग खा लिया ना इन लोगों ने, भगवान कसम इतना दिमाग,
I'm helpless. I'm really helpless and I can't fight. I really can't fight. लेकिन इतना 76 किलोमीटर finally range थोड़ी बहुत तो आ गई है उसमें. अब अगर चार्जर गायब हुआ होगा मैं क्या ही बोलूँ यार. स्टीकर भी नहीं दिया अभी तक इन्होंने गाड़ी का. ठीक है, इनसे मैं बताता हूँ इनकी क्या गलती हुई है. इनसे पार्किंग अलॉटमेंट लेटर खो गया और हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने दे दिया है. इनसे खो रखा है सोसाइटी वालों से और हमने दे दिया था इनको. अब हम पे चिल्ला रहे लोग कि आप ला के दीजिए. अब तुमने खोया है, मैंने खुद अपने हाथों से जाके दिए इन्हें सामान. खून मेरे ऊपर चिल्ला रहे कि हाँ भाई दो. अब कहाँ से दूं मैं तुम्हें. मेरे को ये बात बताओ, जो दिया था उसकी तो तुमने कदर करी नहीं, वो खो दिया. ठीक है, अब मांग रहे हैं तो नहीं दे रहे. गाड़ी जो है हमारी सफारी, उस पर स्टीकर भी कर है नहीं, RFID है नहीं, बेसमेंट में तो कैसे मैं घुसा रहा हूँ. मेरे को पता है स्टीकर ये सब लगवाना है भाई, जरूरी है, इसके बिना काम तो चलेगा नहीं. ठीक है, बार बार तो ठस्से में घुस नहीं सकती, कभी ना कभी तो फिर पकड़े जाएंगे, क्लैंप लग जाएगा. और मैं वैसी नजरों में हूँ आजकल बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा. पिछले 3 हफ्तों से जो मैं नजरों में आना चालू हुआ और जो चले ही जा रहा हूँ, रुक नहीं रहा हूँ मैं, नजरों में ही हूँ मैं. मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए 2 ऑफिशियल कंप्लेंट और 4 इन सोसाइटी कंप्लेंट चल रही है एट दिस मोमेंट, जस्ट फॉर द चार्जिंग इशू. 2 ऑफिशियल तो मैंने दबवा दी, लेकिन 4 जो चल रही है ना मेरे इन सोसाइटी, आई एम सो पिस्ड. मेंटली हैरेसमेंट है भाई, ये गलत. एक तो साला लिफ्ट का कैमरा भी चालू कर दिया और इसकी स्क्रीनिंग होती रहती है एकदम लिफ्ट के बगल में बड़ी बड़ी. अब लिफ्ट में व्लॉग कर रहा होता हूँ, ठीक है, अभी व्लॉग कर रहा था, जैसे मैं निकला तो एकदम से भीड़ भड़क का मेरे पास घूर जाए. अल्लाह भाई, बट ठीक है, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस चीज से. क्या ही करूँ मैं, कसम से इतना परेशान हो गया उन चीजों पे. भाई इमरजेंसी होती है, मेरे को नाना जी को लेके जाना, ना मैं नाना जी का कुछ काम कर पा रहा हूँ, ना मैं नाना जी को स्कूटी पे उनको मंडी लेके जाता था, उनको कुछ सामान लेने लेके जाता था, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. इन सोसाइटी वालों की वजह से इतना परेशान हो रखा हूँ मैं. मेरे 4 इंपॉर्टेंट काम थे, 2 बैंक के थे, 2 RTO के थे, कुछ नहीं हो पाया. दो एक नाना जी को लेके जाना था RTO, एक नाना जी को बैंक लेके जाना था, एक मेरे को खुद बैंक जाना था, एक नाना जी को RTO लेके जाना था, एक मेरे को खुद दिल्ली के RTO जाना है. कुछ नहीं हो पा रहा है भाई, अपॉइंटमेंट्स वेस्ट हो गई है मेरी ये सोसाइटी वालों के चक्कर में. और फिर अब मैं मजाक से हट गए, अब मेरी कसम से हट गई इस बारी, मैं अब नहीं देखूंगा आर्या पार, मैं कूट दूंगा, मैं क्लियर कूट दूंगा भाई. अब भाई इतना मेंटली कौन परेशान करता है, इतना कौन करता है एक छोटी सी चीज के लिए, एक छोटी सी चीज के लिए ना परमिशन दे के राजी, ना चीज लगा के राजी, बस लटकाए जा रहे रोज के रोज. हाँ कल हो जाए. अब इनका कल ही नहीं आ रहा भाई, मजाक से हट के गार्ड्स भी इतने चौड़े हो गए हैं, इतने चौड़े, मैं क्या बोलूं भाई, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं. मैं इतना हेल्पलेस हो रखा हूं ना, इतना हेल्पलेस हो रखा हूं, क्योंकि मैं कुछ करूंगा रेप्लिकेट मेरे घर वालों के ऊपर हो जाएगा जो मैं चाह नहीं रहा हूँ, रेप्लिकेट हमारे रेंटर होने पे हो जाएगा जो मैं वो भी नहीं चाह रहा हूँ. इसने चार्जिंग बंद कर दी थी, चार्जिंग ऑन कर दी, चार्जर गायब हो तो अब नहीं देखता, अब कौन करके गया है. लेकिन चुलबाजी सोसाइटी वाला तो कोई होगा या ये फिर होगा, प्रेस वाला हो सकता है, प्रेस वाले ने देखा था. थोड़ी और हो गई है, 60-70% हो जाए, 1.5 घंटा और 7:30 तक तो सॉर्टेड है, तो थोड़ा घूम भी लेंगे फिर कल के लिए काम आ जाएगी. कल मैं भाटी हम सब शूट करने की सोच रहे हैं होली के लिए स्पेशल रील फ्रैंक वाली, वो भी कर लेंगे. बट होए तो अल्लाह, होने नहीं दे रहा कोई. ऐसे गाड़ियाँ लवारस खड़ी रहती हैं, मिट्टी खाती रहती हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, वो चलेगा. ऐसे इनका सामान फेंका हुआ पड़ा है, ये सब चलेगा. और यहाँ हमने स्कूटी लगा दी, वो देखो वहाँ सामान भी फेंका पड़ा है, कुछ हो नहीं रहा इनका, बस ये फेंका पड़ा है. और यहाँ हमने एक स्कूटी लगा दी तो इनकी मौत आ रही है. मेरा इन सब सीधा सवाल ये है, भाई साहब आप मेरे को परमिशन नहीं दे रहे, आपने प्रेस वाले को कैसे दे रखी है परमिशन स्टीम प्रेस के लिए. प्रेस वाले सारे कोयले से यूज करते, 1 टावर 25 का प्रेस वाला है, प्रॉपर स्टीम प्रेस कर रहा है, उसका कनेक्शन कहाँ से आया, ये बात उठाऊंगा अब मैं. अब ये आज ये बात उठेगी. दो दिन कर के भाई तो बेफुटती है, इनने पायल बनाए जा रहे रोज का हो रहा. My bro, looking hard, bro. Looking hard. The transformation from rags to riches. Rags to है? Rags to riches. ये नहीं. अरे भाई साहब, तुम पहले खचरे लग रहे थे, अब तुम अमीर ज्यादा लग रहे हो. साइड देखो. Yes sir. Yes. भाई ये इस ये साइड प्रोफाइल रुक जाए, ऐसे रखा. भाई ये बहुत फाड़ नहीं लग रही इसकी साइड प्रोफाइल इतनी. ब्रो 24 कैरेट डायमंड ब्रो. लगता है मेरे को भी पियर्सिंग कराई लेनी चाहिए एक. नहीं करेगी, करेगी लेकिन फेस पार्ट थोड़ा कम करूंगा उसके बाद. मेन काम अपना मंदिर का वो भी हो गया है, प्रसाद भी ले लिया. अब मैं सीमा दीदी को घर का प्रसाद देता हूँ, नाना नानी जी के लिए अलग प्रसाद लेता हूँ, उनको वो देता हूँ, एंड देन वी आर गुड टू गो एंड फ्री. फील्स गुड टू बी बैक ऑन साइरस फाइनली. अभी वापसी में फॉर्म में आ गया, जैसे मेरे हाथ में मेरा साइरस आ जाता है ना, मैं कितनी भी लोगों की स्कूटी चला लूँ, कुछ भी कर लूँ, बाइक भी चला लूँ, बेस्ट से बेस्ट अच्छी, इससे अच्छी ओला से अच्छी स्कूटी चला लूँ, लेकिन जब तक मेरे हाथ में मेरा साइरस नहीं है ना, तब तक मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं है, जब तक मेरे को इनर सोल सेटिस्फैक्शन नहीं होती. साइरस की जो वाइब है, साइरस पे जो मजे हैं, ओए और किसी स्कूटी पे साइरस जैसे मजे, वो थोड़ा रिवाइव हो रहा है बैक, क्योंकि अभी जिस तरीके से हम वापसी आए ना, वो थोड़ा इन जोन आने में टाइम लग गया था. बैठना मैं इसके पीछे, आज तक गिराया तेरे को, बट तक उड़ाया, बहुत खतरनाक, बालों से पता चल रहा होगा.
भाई नॉर्मल भाई, इससे प्यारी बढ़िया स्कूटी, प्यारी बढ़िया स्कूटी चलाने वाला नहीं देखा। लव पकड़ा, लव पक्का, लहर लहर, अभी तेरे कहर बना दूंगा साले, ज्यादा उड़ेगा मेरे सामने तो। डोंट अब्यूज इन द व्लॉग प्लीज, फैमिली सॉरी यार, सॉरी यार, अरे सॉरी यार, ओ लासी होए, तेज बोले एक बार, मुझे बोलता है ओ लासी होए, ये मरवाएगा। मैं तो बोल दूंगा भाई ने बोला, बोल दे मैंने बोल दिया, बड़े भाई की बात मानता हूँ मैं। बेटा क्लिप मेरे पे, मैं क्लिप आगे करके दिखा दूंगा, देखो लासी बोल रहा था। और बोल और बोल और बोल, ये चीटिंग है, ये इनका वेट कर रहे फिर निकलते हैं भाई, घूमी घूमी, वेरी पीसफुल प्लेस ब्रो, वेरी पीसफुल, कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। भाई का एयर कट यार। ओ देख मैं बुदा आया, कौन है क्या हुआ भाई, क्या हुआ, जय भद्रकाली। चलो भाई आज लोग यहीं रैप अप करते हैं, आ गए घर, मस्त खाना पीना हो गया, अब जाते सोने, फिर रात में जाके एक बार स्कूटी भी हटानी चार्जिंग से, क्योंकि ठस्से में तो कर रहे हैं, मैं खुले आम बोल रहा हूँ, ठस्से में कर रहे हैं और करूंगा मैं, ठीक है, बागी हूँ मैं, सोसाइटी वालों उखाड़ना जो उखाड़ लो, तुमने जो करा ना मेरे साथ, अब मैं दिखाता हूँ, जाने से पहले ऐसे ऐसे कांड करके जाऊंगा ना, ऐसे ऐसे सब याद रखेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि ये वंश ही कर गया, ये तो मैं बोल रहा हूँ, अगर ये कोई क्लिप निकाल के कल को बोले ना, सबूत हमारे पास, ये सबूत दिखा दो कि मैंने करा, मैं तो बोल रहा हूँ, कर भी जाऊंगा पता भी नहीं चलेगा, मैं तो बोल रहा हूँ अभी, बोलने और करने में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, मेरे लिए कोई चीज खराब नहीं होने वाली, तुम याद रखना, मेरे आज का व्लॉग रैप अप करते रहेंगे, जो वाचिंग डेज व्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना, अगर मन करे तो दिस वी बॉय के मन साइनिंग ऑफ, इन कल का व्लॉग अच्छा ना, बाय कल से मिलते हैं, बहुत ही बड़े व्लॉग के साथ दोस्तों, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन।